नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। आज हल्द्वानी के ओपन विश्वविद्यालय को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक रखी गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हल्द्वानी के ओपन विश्वविद्यालय को देश के टॉप विश्वविद्यालयों में लाना था। दरअसल हाल ही में हल्द्वानी का यह ओपन विश्वविद्यालय देश के 5 टॉप विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आ चुका है और इस विश्वविद्यालय को नेक में भी रजिस्टर कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सब शिक्षक गणों और कुलपति का आभार व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हम हल्द्वानी के ओपन विश्वविद्यालय को देश के टॉप 3 विश्वविद्यालयों में लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इस ओपन विश्वविद्यालय और हल्द्वानी का नाम देश के टॉप 3 विश्वविद्यालयों में आएगा। इसके लिए उन्होंने इस समीक्षा बैठक में सभी विभागाध्यक्ष, रजिस्ट्रार और कुलपतियों को निर्देश और सुझाव दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 28 दिन में सभी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की भी बात कही है। सर, आपकी ओर से आज यहाँ पे समीक्षा बैठक की गई है, क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए, हमारा जो ओपन विश्वविद्यालय है हल्द्वानी का, ये देश के टॉप 5 विश्वविद्यालय में शामिल हो गया है। मैं यहाँ के सभी स्टाफ का भी, अपने माननीय कुलपति जी का भी, सभी हमारे प्रोफेसर और विभागाध्यक्षों को भी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ कि उनके अथक प्रयासों के बाद हमारा जो ओपन विश्वविद्यालय है वो टॉप 5 विश्वविद्यालय में शामिल हुआ है और अब नेक भी हमने यहाँ करा दिया है और धीरे धीरे हमें चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय जो है देश के प्रथम 3 राज्यों में शामिल हो जाए। इसके लिए आज मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे कुलपति जी, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे विभागाध्यक्ष, परीक्षा कंट्रोल इस पर जरूर ध्यान दें। 28 दिन में सर आपने रिजल्ट घोषित करने की बात कही है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू हुई है तब से हमने अपने राज्य में 3-4 चीज़ें फिक्स कर रहे हैं। पहला तो कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव एक ही दिन में होगा। दूसरा, दीक्षांत समारोह भी नवंबर के महीने में आयोजित किए जाएंगे, ये भी हमने महामहिम राज्यपाल जी से बातचीत हो गई है। तीसरा, में चाहते हैं कि परीक्षा भी एक ही दिन से शुरू हो, परीक्षा परिणाम ही जल्दी डिक्लेयर हो जाएं ताकि बच्चों को अपना साल खराब न हो। इसके लिए हम काफी प्रयास कर। ये खबर तैयार की है हमारे सहयोगी निशा और आशीष ने। फिलहाल की इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।